आरएसएस 1925 में बना, उससे पहले भी देश था, और आरएसएस जब खत्म हो जाएगा तब भी ये देश रहेगा। ये देश की खासियत होती है। बीजेपी 1980 में पैदा हुई, उससे पहले भी देश था। हो सकता है कि बीजेपी 5-10 साल में निपट जाए तब भी देश रहेगा, क्योंकि ये देश की खासियत होती है। जो लोग आज देश को नहीं समझ रहे हैं, असल वो लोग घबरा रहे हैं। मुझे तो कोई घबराहट नहीं होती है। मुझे इसलिए नहीं घबराहट होती है कि ये देश गांधी का देश है। और मजेदार बात देखिए कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी जवानी जय गुड से जय गुड से जय गुड से करके बिताई थी, जब बुढ़ापे में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उस गांधी की ताकत देखिए कि वो गांधी के सामने झुकते हुए माला चढ़ाते हुए सोचता होगा कि हमने एक बार इसको मारा, ये हर साल 2 अक्टूबर को हमको थप्पड़ मारता है, हमको झापड़ मारता है। ये गांधी की ताकत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है। जिसको हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो डर रहे हैं या वो लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं न डरने की जरूरत है न डराने की जरूरत है। ये देश हमारा है, ये देश हमारा था और ये देश हमारा रहेगा। इस देश को हम किसी भी सूरत पे बटने नहीं देंगे, इस देश को हम किसी भी सूरत पे टूटने नहीं देंगे। अरे एक बार तो कोई भी किसी को अपने जाल में फंसा लेता है। हम एक बार जिन्ना और सावरकर के जाल में फंस गए, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं। बिल्कुल, अगली बार हम नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि वो इतिहास आज हमारे सामने है। इसीलिए जब आज 15 अगस्त है और मैं बंगाल की पवित्र भूमि पे खड़ा हूं, तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अगर विभाजन का सबसे ज्यादा दर्द इस देश में किसी राज्य ने झेला है, तो वो बंगाल की धरती है और वो पंजाब की धरती है। पंजाब में एक बार ऑलरेडी एक आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन दबा और उसका दंश पंजाब झेला था। बंगाल में वही कोशिश आज हमारे साथ की जा रही है। याद कीजिए कि बंगाल जब पार्टीशन होने की बात शुरू हुई 1946 में, कितना बड़ा दंगा हुआ था। पूरा का पूरा कलकत्ता जल रहा था और गांधी को नौवा खोली आकर के बैठना पड़ा था उस दंगे को शांत कराने के लिए। तब तो जिन्ना नहीं आए थे, सावरकर भी नहीं आया था, गोडसे भी नहीं आया था, हेडगेवार भी नहीं आया था, और वो तमाम लोग जिनको आज मोदी जी पूजते हैं, वो तो नहीं आए थे उस दंगे को बंद कराने के लिए। वो महात्मा एक डंडा लेकर के हिंदुस्तान में उस दंगे को शांत कराने के लिए बंगाल की धरती पर आया था। आप इस बात को समझिए कि भाजपा फिर से बंगाल को विभाजन के उस दौर में ले जाना चाहती है। इसीलिए बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि असली मकसद ये है कि लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहें, लेकिन उनके जीवन में जो बेकारी आई है उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। उनके जीवन में जो गुर्बत बढ़ी है, जो गरीबी बढ़ी है, उसके खिलाफ वो कोई लड़ाई ना लड़ें। किसान जो आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के बच्चे सड़कों पे ना निकलें। बड़ी मुश्किल से पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, MBA करने के बाद डिग्री लेकर के आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 100 में से 45 लोग आज बेकार हैं। इसीलिए हर वो नीति जो सरकार कहती है कि हम विकास के लिए लेकर के आए हैं, दरअसल उसका नियत इस देश में सांप्रदायिकता की जहर को फैलाना है, इस देश में धार्मिक झगड़े को बढ़ाना है, इस देश में धार्मिक उन्माद को बनाना है। Recording.
जान खत्म हो गया, शुरू कीजिए। तो नीति चाहे कुछ भी लाई जाए और प्रधानमंत्री के द्वारा यह दावा किया जाए कि यह विकास के लिए लाया जा रहा है, लेकिन उसका नियत विकास और न्याय नहीं, समाज में नफरत और उन्माद को फैलाना है। लेकिन सवाल यह है कि आप इन नीतियों का विरोध कैसे करेंगे। जैसे 3 तलाक का जब बिल लाया गया तो सरकार ने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं। अब बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी भी प्रक्रिया को, जो न्याय दिलाने की बात की जा रही हो, उसका विरोध करे? कोई उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन क्या नियत यही है? क्या वो सचमुच मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं? इस पे आप विचार कीजिएगा। अगर महिलाओं को न्याय दिलाना इनकी प्राथमिकता होती तो कुलदीप सेंगर को ये बचा नहीं रहे होते। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डांट नहीं लगाई उन्नाव रेप केस में, कुलदीप सेंगर को इन्होंने जेल में नहीं डाला, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। मतलब इनका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाने का नहीं है, इनका उद्देश्य समाज में धार्मिक मतभेद को बढ़ाने का है। फिर इन्होंने कहा कि हम 370 हटा रहे हैं जिससे कश्मीरियों को न्याय मिलेगा, कश्मीर में विकास होगा, कश्मीर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब बताइए कि कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध करेगा कि विकास नहीं होना चाहिए, नए रोजगार के अवसर नहीं पैदा होने चाहिए, आर्थिक उन्नति नहीं होनी चाहिए? कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन नियत क्या है? क्या नियत यही है? अगर नियत यही होती तो भाजपा के एक मंत्री अपने घर के बाहर कश्मीरी लड़की का फोटो नहीं लगाते, और भाजपा के एक सीएम ये नहीं कहते कि अब हमारे यहाँ के लड़के कश्मीर में जाकर के शादी कर सकते हैं। हमारा बिहार का जो डिप्टी सीएम है वो ये नहीं कहता कि अब बिहारियों को कश्मीर में रोजगार मिलेगा। नियत ये नहीं है। नियत क्या है? नियत वही है जो इन्होंने नोटबंदी को लागू करते हुए स्पष्ट की थी। नोटबंदी को लागू करते हुए इन्होंने क्या कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद, नक्सलवाद और काला धन का समस्या समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी हुई, नोटबंदी होने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दिया और रिजर्व बैंक ने कहा कि 99% से ज्यादा पुराना नोट वापस आ गया, तो आप बताइए काला धन कहां गया? और अगर काला धन वापस आया तो काला धन वापस आने के बाद आपके खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचाया गया? और इनका दूसरा दावा था कि इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो अगर आतंकवाद समाप्त हो गया तो पुलवामा में आपके चचा जान आए थे हमला करने के लिए, कौन किया था उन्होंने? उसके बाद जीएसटी लाई गई। जीएसटी लाने के बाद इन्होंने कहा कि टैक्स चोरी बंद हो जाएगी, और अभी सरकार ने कहा कि जो सीएसआर की चोरी करेगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक टैक्स होता है जो कॉरपोरेट घरानों के ऊपर लगाया जाता है, अगर सीएसआर की चोरी करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो मैडम जी, वित्त मंत्री जी, आपने कहा था कि जीएसटी लागू करने के बाद टैक्स का चोरी बंद हो जाएगा, तो टैक्स का चोरी अभी भी कैसे हो रहा है? सवाल का जवाब आप उनको दे दीजिए। मतलब जीएसटी का उद्देश्य टैक्स की चोरी रोकना नहीं था, जीएसटी का उद्देश्य ये था कि इस देश में लाखों करोड़ों लोग
जो छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कांटी बनाते हैं, नट बनाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना बनाते हैं, छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं जहां 10, 15, 20, 25, 50 मजदूर काम करते हैं, जो छोटे छोटे कपड़ों के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे टूल्स बनाने के उद्योग हैं, जो छोटे छोटे घर के जरूरी काम में आने वाले चीजों को का उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को तबाह कर दिया जाए और ये सारा पैसा रूट करके अंबानी और अदानी के खाते में पहुंचा दिया जाए, ये जीएसटी का उद्देश्य था। और आप बताइए कि जीएसटी आने के बाद जो छोटे व्यवसाय करने वाले जो कलकत्ता के व्यवसायी हैं, उनको पता चला होगा कि उनके रोजगार पे इसका कितना बुरा असर पड़ा। नोटबंदी का उद्देश्य ये था कि आपके पॉकेट से पैसा निकाल करके बैंकों में जमा कर दिया जाए। इसीलिए जब पहली बार आए थे तो कहा कि जनधन का खाता खुलवा लीजिए, लोग धराधर जनधन का खाता खुलवा लिए, लगा इसी खाते में 15 लाख रुपया आने वाला है। और जनधन का खाता खुलवाने के नाम पर 500-500 रुपया लोगों से जमा करा लिया और अपने दोस्त नीरव मोदी को कर्जा देकर के उसको फ्लाइट पकड़ करके विदेश पहुंचा दिया। ये नोटबंदी का उद्देश्य था। ये नोटबंदी का उद्देश्य था कि जो आपका कैश है वो आपसे ले लिया जाए कैशलेस इकोनॉमी के नाम पर। और जब गरीब लोग खाता खुलवाने के बाद मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे तो कहा कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो फाइन देना पड़ेगा। तो हम बोले थे कि हमारा खाता खोल दो, हम बोले थे कि हमारा खाता खोलो। सरकार ने बोला कि खाता खुलवाओ, हम खाता खुलवाए और अगर मिनिमम बैलेंस हम नहीं रख पा रहे हैं तो सरकार से फाइन लो, हम फाइन नहीं देने वाले हैं। यह बात हमको बोलना चाहिए ना। और कौन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करता है? बेरोजगार, स्टूडेंट, गरीब, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, महिला, अरे पति के पॉकेट से निकाल करके 100-100 रुपया का जो सेविंग करती है वही अपना मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाती है ना। उससे ये हर साल करोड़ों रुपया फाइन से वसूल रहे हैं और वह जो फाइन का पैसा है वो माल्या और नीरव मोदी के ऊपर लुटा रहे हैं। ये है बैंकिंग सिस्टम। तो नोटबंदी का उद्देश्य पता चला। ये जो तमाम नीतियां लाई जा रही है, नीति के बारे में जो सरकार कहती है और उसका जो असली नियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और रियलिटी में लागू क्या होता है? अंबानी अदानी का साथ, अंबानी अदानी का विकास, अंबानी अदानी का विश्वास। क्यों? क्योंकि उसके अलावे इस देश की किसी भी जनता को कोई लाभ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जनता रोज बरोज किसी ना किसी समस्या से जूझ रही है। बाल बच्चा को पेट काट करके इंजीनियर बनाया है। इंजीनियर बनने के बाद बेटा कॉल करता है, वीडियो कॉल, माय मम्मी जॉब नहीं है, थोड़ा और पैसा भेज देती तो एमबीए कर लेते हैं। माँ बाप कर्जा लेकर के पहले इंजीनियरिंग करवाए, फिर कर्जा लेकर के उसको एमबीए करवाए और एमबीए करने के बाद कहेगा कि मम्मी अभी भी जॉब नहीं है। तो क्या करें? तो चलो घर घर घूम घूम करके एक्वा गार्ड बेचते हैं। अगर एक्वा गार्ड ही बेचना है, फेना सरफ ही घर घर घूम करके बेचना है तो हमको बताइए कि 10-12 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियर बनने का क्या जरूरत है? 15-20 लाख रुपया खर्च करके एमबीए करने का क्या जरूरत है? लाखों रुपया खर्च करके नर्स का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? लाखों रुपया खर्च करके बीएड का ट्रेनिंग करने का क्या जरूरत है? समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले लोग पीएचडी करता है उसके बाद बीएड करने के लिए जाता है, पहले बीटेक करता है उसके बाद बीएड करने के लिए जाता है। तो क्या चल रहा है देश में? कोई अगर इंजीनियरिंग किया है तो उसको बीएड करने की क्या जरूरत है? कोई अगर पीएचडी किया है तो उसको बीएड करने का क्या जरूरत है? क्योंकि लगता यह है कि पीएचडी करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, बीटेक करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, एमबीए करने से तो जॉब मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं बीएड का ट्रेनिंग ले लेते हैं, कम से कम स्कूल में मास्टर बनने का नौकरी मिल जाएगा। और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। 40% लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं,
वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 100 में से 40 आप में से भी बहुत सारे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। आप कभी सोचे हैं, आपने कभी विचार किया है इस बात पे? टैक्स देते हैं आप सरकार को, हर चीज जो आप खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं सरकार को। सरकार जो चुन करके आती है वो बिजनेस सबमिट कराती है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर होगी इसके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ए भाई, हाँ, चलिए ना उधर, ना मानेगा। दे दिए हैं तो दोबारा हमसे टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? सरकार टैक्स हमसे लेती है और कर्जा अपने दोस्तों को देती है। वो दोस्त कौन है? वो दोस्त वो है जो चैनल के मालिक हैं, वो दोस्त वो है जिनके पास करोड़ों खरबों रुपया है और उस चैनल का इस्तेमाल करके, उस दोस्त का इस्तेमाल करके आज हमसे, हमारे दिमाग से हमारा मुद्दा ही मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। जब भी आप टीवी खोलेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होगा कि ये टीवी हमारा है, ये जो सेटअप बॉक्स है वो हमारा है, इसमें रिचार्ज हम कराए हैं, चाहे पेटीएम से रिचार्ज कराएं कि गूगल पे से रिचार्ज कराएं या रिटेल शॉप पे जाकर के रिचार्ज कराएं, लेकिन इस टीवी में मुद्दा हमारा नहीं है, इस टीवी में हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, इस टीवी में हमारे बच्चों का भविष्य का बात नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि आप जो बात बोलना नहीं चाहते हैं वो बात आपके मुंह में डाल दी जाती है, जो बात आप सोचना नहीं चाहते हैं वो बात आपके दिमाग में डाल दी जाती है। सालों से इस देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में मतभेद भी होता है, झगड़ा भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहसें भी होती हैं, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं कहता था कि तुम पाकिस्तान चले जा। आज स्थिति यह है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार के समर्थन में बोलने वाले लोग तुरंत आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। मैं बड़े आराम से उनसे एक सवाल पूछता हूं कि तुम जिस सरकार का समर्थन कर रहे हो उस सरकार को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है, वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, जिस आर्यावर्त में
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल होगा। लेकिन दोस्त, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? जो ऑलरेडी आसाम और बंगाल में रह रहे हैं एनआरसी के नाम पर उनको बांग्लादेश भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? असल मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसीलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 तलाक पैदा हो गया, अब 370 पैदा हुआ है। विकास कब पैदा होगा? तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं, अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भी बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस देश में अगर इंसान को किसी चीज के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो है धार्मिक भावना। धार्मिक भावना के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान के विरुद्ध में खड़ा किया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर लोगों का जो उनका हक और अधिकार है उससे उनका ध्यान हटाया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ कर वर्तमान में आपको आपस में लड़ाया जा सकता है। अब ये कौन जानता है आप बताइए कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? बाबरी मस्जिद किसने बनवाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा ये हम जरूर जानते हैं। सवाल ये है कि अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो वो गलत था, तो क्या उस गलती का बदला आज आप हमसे लीजिएगा? उसका बदला आज आप हमसे लेना चाहते हैं? ये इतिहास के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? क्योंकि जब आप इतिहास का गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं तो वर्तमान पर से लोगों का ध्यान अपने आप हट जाता है। वर्तमान में लोग ये विचार करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि हम मर रहे हैं भूख से और बचाना चाहते हैं धर्म। संकट है बेरोजगारी का और कहते हैं कि धर्म संकट में है। संकट है कि किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति खतरे में है। इस साजिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं आज बंगाल में खड़ा हूं तो मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल वो धरती है जिसने अंग्रेजों को सबक सिखाना शुरू किया था, यहां से आजादी की आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी। बंगाल वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन के बाद जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द झेला है, और बंगाल की ये सांस्कृतिक ताकत है कि पाकिस्तान ने इस बंगाल को अलग कर दिया हिंदुस्तान से धर्म के नाम पर। माउंटबेटन ने नेहरू जी के जमाने में, जिन्ना जी के जमाने में उस ईस्ट बंगाल को इस वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया। लेकिन देखिए
कि संस्कृति और भाषा का जुड़ाव कितना गहरा होता है कि बांग्लादेश का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं भाषा के नाम पे हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति दरअसल हिंदुस्तानी संस्कृति है, और हिंदुस्तानी संस्कृति की खास बात यह है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग भाषा बोली बोलते हुए भी एक हैं, हम अलग अलग खान पान और संस्कृति को मानते हुए भी हम एक हैं। और यह जो विविधता में हमारी एकता की ताकत है, इस एकता को जो तोड़ने का प्रयास है, इस प्रयास को हमको विफल करना पड़ेगा, तभी जा करके यह जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमको मिली है हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे और भारत को तोड़ने की हर साजिश को हम नाकाम कर पाएंगे। इसीलिए आज़ादी की इस संध्या में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता दिवस की याद में हम आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद होने का मतलब होता है कि जो आज़ादी आपको आपके संविधान ने दिया है उस आज़ादी की रक्षा करना, और उस संविधान ने आपको कहा है कि आज़ाद होने का मतलब होता है आज़ाद ख्यालात को मानना, आज़ाद ख्यालात पे चलना, आज़ाद ख्यालात के रास्ते को आगे बढ़ाना। और आज़ाद ख्यालात के रास्ते पे आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम सवाल उन तमाम ताकतों से पूछेंगे जिनको हमने इस देश की गद्दी सौंपी है, हम उनसे ये पूछेंगे उनके तमाम साजिशों और कोशिशों को नाकाम करते हुए कि बताइए विकास कहाँ है, बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए काला धन का क्या हुआ, बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। और आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है, और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आज़ादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आज़ादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस आज़ादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जरूरी यह है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना आंदोलन प्रदर्शनों को किया जाए, और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए, जय जवान जय किसान जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।